कंफ्यूज मत करो, इसका अर्थ हुआ साइन, इसका अर्थ हुआ सिंगल, इसका अर्थ हुआ और। और सिंगल में एक होता है तो हम बताना क्या चाह रहे हैं, तो मुहरुल है साइन सिंगल सिंगल पॉस। अब उधर से लौटता है और सिंगल, पहले इसको याद करो, उधर से कहना है उधर से साइन सिंगल सिंगल पॉस और सिंगल एंगल, टू वे एंगल, ठीक है। साइन सिंगल का अर्थ है इसका साइन तो इसका कॉस, एक सिंगल मैंने एक हो, एक और साइन एक हो, और दोनों एंगल सेम नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि एक का साइन तो बी का और बी उसके बाद दूसरा अवश्य और सिंगल यानी क्या होगा, एक का कॉस समझ में आया, याद हुआ साइन सिंगल। तो क्या व्याख्या हुआ, यानी कि दो कोण है, एक का साइन तो बी का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में क्या करना है, एक का कोण तो बी का, और आखिर योजना क्या है, यानी कि पहले स्टेप के बाद चीन क्या दिया जाएगा, सेम प्लस है तो इसलिए हम लिख रहे हैं साइन सिंगल अथवा साइन ए इंटू और अब प्लस है तो और दूसरा स्टेप और ए, ठीक है। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया, इतने लोगों को यह याद हो गया, इतने लोग व्याख्या कर सकते हैं, अभी बहुत लोग का हाथ नहीं उठा, हाथ गिरा देंगे, बोलिए आप भी हाथ गिरा, बोलिए क्या होगा, साइन ए हाँ कॉस बी ठीक प्लस हाँ कॉस ए साइन